क्या हुआ चित्रगुप्त, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं महाराज, 5 दिवस हो गए भोला राम के जीव को दे त्यागे, परंतु अभी तक उसका जीव यहाँ नहीं आया। अरे तो फेसबुक पर देख या गूगल पर सर्च कर ले। सब कर लिया महाराज, सब कर लिया। हद तो तब हो गई जब वो दूध जो कि भोला राम के जीव को लेने के लिए गया था वह भी लापता हो गया। और कहीं ऐसा तो नहीं भोला राम के विरोधियों ने उसके जीव को तंग करने के लिए उड़ा लिया हो। अरे तेरे रिटायरमेंट क्यों मरा गई चित्रगुप्त, भला उस भोला राम जैसे आम आदमी का कौन विरोधी होगा। आजकल आम आदमी के ही तो विरोधी होते हैं महाराज, देखा नहीं आपने किस तरह से आम आदमी ने तहलका मचा रखा है। अरे क्या बात है महाराज, आप बहुत ही चिंतित प्रतीत होते हैं। वो नर्क लोक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई क्या? अरे मुनिवर, वो समस्या तो कब की हल हो गई है, जब से धरती से यहाँ पर गुड़ी ठेकेदार और कारीगर आने लग गए। लेकिन एक विचित्र समस्या ये आम पड़ी है कि भोला राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी, उसका जीव अभी तक लापता है। नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इनकम टैक्स वालों के कोई बकाया रह गया हो और उन्हीं लोगों ने उसे रोक लिया हो। अरे कोई इनकम होगी तब तो इनकम टैक्स वाले रुकेंगे ना, वो तो फटे हाल था बेचारा। नारायण नारायण, तो फिर जरूर उसका किसी दूसरी स्त्री से संबंध होगा। दूसरी स्त्री तो क्या, उसका तो उसकी स्वयं की स्त्री से भी संबंध नहीं था। नारायण नारायण, तो फिर जरूर ऐसा हुआ होगा कि देवताओं ने उससे खुश होके उसे सीधे स्वर्ग लोक में बुला लिया हो। ये देवता भी आजकल किससे किस बात पे खुश होके क्या कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। और इंसानों ने भी देवताओं से ये बात बखूबी सीख ली है, वो भी अपने रिश्तेदारों को चापलूसों को बड़ी निर्लज्जता से बड़े पद पर पहुंचा देते हैं। नारायण 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 नारायण, अरे ये महाराज कहाँ चले गए? कहीं उन्हें आपकी बात चुप तो नहीं गई? नारायण 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 नारायण, अरे मुनिवर मैं काम करता हूँ, मैं स्वयं भूलोक पे जाके उस भोला राम के जीव को लेके आता हूँ और महाराज के गुस्से को शांत करता हूँ। तो मुझे उसके सारे डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना नारायण नारायण। पेंशन के संबंध में मदद चाहिए थी और यहाँ पे कौन मेरी सहायता कर देगा? कोई भी नहीं। नारायण 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 नारायण। माते 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 माते, मुझे भोला राम के विषय में कुछ चर्चा करनी थी। भोला राम? हाँ जी, वो पेंशन केस वाला भोला राम। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। साधु हो? हाँ जी। और दिखने करने में भी अच्छी हो, कहीं फिल्मों में एक्टिंग करने का इरादा तो नहीं है महाराज? आजकल साधु लोग बड़ी फिल्में कर रहे हैं। बैठ छोड़िए, आप जरा ये बटर छील लीजिए ना महाराज, और जरा इस कटोरी में आशीर्वाद भी दे दीजिए। जी माते, छीलिए छीलिए। आप जो आदेश देती है वो मैं जरूर करूंगा। जी वो बात ऐसी है कि भोला राम की मृत्यु 5 दिवस पूर्व ही हो चुकी है, लेकिन उसका जो जीव है ना वो अभी तक ऊपर पहुंचा नहीं है। अरे नारायण नारायण, मैं यहाँ भोला राम के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ और आप अच्छा अच्छा भोला राम। हाँ। महाराज भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं था ना, इसीलिए उड़ गई होंगी कहीं। अरे तो ये पेपर वेट है ना, ये क्यों नहीं रख दिया? अरे महाराज आप ठहरे साधु आदमी,
आपको दुनियादारी की खबर नहीं है? पेपर वेट से दरख्वास्तें नहीं दबती? आप बड़े साहब से क्यों नहीं मिलते? वो आपकी दुविधा हल कर देंगे, जाइए। मटर भी नहीं छीनी। नारायण। अरे ये बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? अरे बड़े साहब छुट्टी पे और छोटे साहब राउंड पे, बाद में आना। नारायण। अरे महाराज, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? आप यहाँ साल भर के चक्कर लगाते रहेंगे ना तो भी आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने बड़े साहब को खुश कर दिया ना तो आपका काम भी वो बन जाएगा। लेकिन बड़े साहब तो छुट्टी पे है ना। अरे किसने कहा छुट्टी पर है, यही मिलेंगे सामने दफ्तर में, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माती, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। बाहर बैठा है। नारायण नारायण। पंडित जी, ये अंदर कैसे आ गया? अरे मंदिर समझ रखा है क्या? चलिए बाहर चलिए, चपरासी से पर्ची लेकर आइए। चपरासी से पर्ची? वो आपका चपरासी तो कहता है कि आप छुट्टी पे गए हुए हैं। काम क्या है आपको? अजी जी, मैं भोला राम के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अरे कौन भोला राम? अजी भोला राम, पेंशन केस वाला भोला राम, जिसकी अभी 5 दिवस पूर्व ही मृत्यु हुई है। अच्छा अच्छा, भोला राम। हाँ बैठिए। बैरागी लगते हैं। तो ये सरकारी दफ्तर के रीति रिवाजों से आपका तो कोई लेना देना होगा नहीं। हाजी महाराज, ये भी मंदिर ही है, यहाँ भी दान पुण्य तो करना पड़ता है ना। दान पुण्य? हाँ हाँ, दान पुण्य, जो किया तो भगवान के लिए जाता है पर काम तो पुजारी के ही आता है। और ये भोला राम ने तो बहुत बड़ी गलती की है। देखिए आप मुझे उसके आत्मीय नजर आते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। अरे ये कैसा वजन है? अरे भाई, सरकारी पैसों का मामला है, ये पेंशन की फाइल BCO दफ्तरों में जाएगी। अब एक ही बात को हजार बार हजार जगह लिखना पड़ेगा, दस्तखत करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर बात पक्की होगी। अरे इस सब में बड़ा वक्त लग जाएगा। अब लेकिन आप चाहें तो ये काम जल्दी भी हो सकता है, परंतु उसके लिए वजन तो रखना पड़ेगा ना महाराज। अरे लेकिन ये, अरे आप समझे नहीं महाराज, आपकी ये वीणा का वजन भी हम भोला राम की दरखास्तों पर रख सकते हैं। मेरी वीणा का वजन भोला राम की दरखास्तों पर? ये कैसे संभव है भला? अरे महाराज, मेरी एक बेटी है, वो संगीत सीखती है। अरे वाह, तो आपकी ये वीणा मैं उसे दे दूंगा। तो महाराज वो संगीत सीख जाएगी, तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अरे तो मेरे सर से एक बोझ हल्का हो जाएगा ना महाराज। तो भोला राम पेंशन दरखास्तें? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मेरी वीणा आपकी बेटी भोला, ये वीणा दे दीजिए। अरे लेकिन मेरी जो, अजी मेरी, आप मेरा काम जल्दी से कर दीजिए। अभी करा देता हूँ। अरे नारायण नारायण। अरे सुनो, भोला राम पेंशन केस की फाइल लेकर आओ जल्दी जल्दी। अरे जल्दी। अरे पंडित जी, आपको चाय नाश्ता? अरे अरे वो फाइल तो यही है। ये भोला राम की फाइल यही रखी हुई है और आप मुझे तब से, अरे वो क्या नाम बताया था आपने? सेवा राम था, सेवा राम। अरे भोला राम। अरे कौन पुकार रहा है मुझे? लगता है मेरे पेंशन के ऑर्डर्स आ गए, डाकिया होगा। लाओ दे दो मेरे पेंशन के ऑर्डर्स मुझे जल्दी। हाँ। नहीं नहीं भोला राम, मैं नारद हूँ, नारद। तुम्हें स्वर्ग लोक से लेने के लिए आया हूँ। स्वर्ग लोक? अरे कैसा स्वर्ग लोक, मेरा स्वर्ग तो यहीं पर है। मेरे पेंशन के ऑर्डर्स आने वाले हैं, मैं यहीं पर ही अच्छा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, मैं यही अच्छा। नहीं, 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 अरे, अरे भोला राम, अरे आजादी के वक्त हमसे कहा गया था एक एक भ्रष्टाचारी को खंबे से लटकाएंगे। अरे हुजूर, खंबे से लटकाना तो दूर, आप तो खंबा ही उखाड़ के ले गए। इसीलिए हम सच्ची आजादी उसी दिन मनाएंगे जिस दिन आप लाल किले से नहीं हमारे दिलों पे झंडा लहराएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।